अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो नाइन्थ क्लास के केमिस्ट्री के पेपर की आंसर की आपके सामने है। तो पहला सवाल था कि 40 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कंटेन्स कितने एटम्स होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन 2। और फिर उसके बाद विच स्टेटमेंट अबाउट X12X Y14 इज नॉट ट्रू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर उसके बाद यानी ये 12 6 और 14 6 था ना, तो दोनों के न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है वो सेम है। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है कि एन एलिमेंट हैविंग गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए ग्रुप 1 और पीरियड 3। फिर उसके बाद विच ग्रुप हैज़ इट्स वेलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स, तो दैट इज़ ग्रुप 1A। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द आयोनिक कंपाउंड, सो दैट इज़ KBr। फिर उसके बाद द आयोनिक साइन ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप 5A ऑफ पीरियोडिक टेबल विल बी द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और उसके बाद अ लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू, द करेक्ट ऑप्शन इज 101.3 किलो पास्कल। फिर उसके बाद डिटर्मिनिंग द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 29 ग्राम NaOH इनटू DM3 ऑफ सोल्यूशन, द करेक्ट ऑप्शन इज 0.25 m। फिर उसके बाद इन ZnO द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज, द करेक्ट ऑप्शन इज +2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट इज बीइंग रिड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन, तो द करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरीन। और फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए Li। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज हाइएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फ्लोरीन। तो मुझे बताएं कि कितने आपके MCQs ठीक हुए, कितने गलत हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़।